घटित क्या होता है? बोलो होय सोई जो राम रचि राखा। आप चाहे कितना भी भला कीजिए पर होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, होगा वही जो आपके प्रारब्ध में होगा, होगा वही जो आपके कर्म में नियोजित होगा। हाँ, आपको भलाई करना है, आपको बढ़िया ही करना है, आपको अच्छा ही करना है, पर आपके साथ उसी समय अच्छा हो ऐसा नहीं होगा। कब होगा ये ठाकुर जी जाने। इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा किया उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमने बहुत पुण्य किया, दान किया। तो पुण्य दान सब इकट्ठा होता जाता है। जब हम लोगों के लिए ठाकुर जी विचार करते हैं कि अब इसके लिए जरूरी है कि इसके पुण्यों का फल मिले, तो ठाकुर जी फल देते हैं। अब वो कभी भी दे सकते हैं, इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, इसका कोई नियोजन नहीं है कि वो कब मिलेगा। लेकिन ऐसा शास्त्रों ने आज्ञा की है, भागवत जी आज्ञा करती हैं कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म उन अनेक जन्मों में किए गए पुण्य इकट्ठे होते जाते हैं, और जब उनकी मात्रा अतीत हो जाती है तब उसके फल स्वरूप हमको कथा प्राप्त होती है, उसके फल के रूप में हमको कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आपने अपने पूर्व के ना जाने कितने जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, वो सब इकट्ठे होते गए, एकत्रित होते गए, और उन सब का फल क्या मिला कि आज आप कथा में बैठे हो, आज आप कथा श्रवण कर रहे हो। श्रीमद् भागवत जी इस बात को प्रस्तुत करती हैं। तीन प्रकार से कथा श्रवण करने को मिलती है। पहला तो भाग्य उदित होते हैं तब कथा जीवन में आती है, दूसरा राम कृपा बिन सुलभ न सोई, श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इसका मतलब क्या है कि कथा श्रवण करने का जो अवसर मिलता है वो ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। राम जी चुन लेते हैं इसको जाना है इसको अच्छा एक और बात, कथा में हजारों लोग आते हैं, हजारों पर राम जी की कृपा होती है ऐसा भी नहीं है। कृपा उसी पर मानो जो कथा में बैठा, कथा में आया, सात दिन श्रवण के बाद अपना जीवन परिवर्तित कर दिया, समझो उस पर हुई राम जी की कृपा। स्कूल तो लाखों बच्चे जाते हैं पर डॉक्टर 1,00,000 बच्चों में से 100 बच्चे ही डॉक्टर बन पाते हैं, 1,00,000 बच्चों में से 50 बच्चे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं, 1,00,000 बच्चों में से 10 बच्चे ही साइंटिस्ट बन पाते हैं। क्यों? बच्चे तो सब गए थे, फीस तो सबकी दी गई थी, सब एक ही बस में जाते थे, एक ही बुक पढ़ते थे, एक ही क्लास में बैठते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, तो फिर सब क्यों नहीं बन गए? दो कारण, पहला तो प्रभु इच्छा और दूसरा उसकी लगन। इन दो चीजों से व्यक्ति जीवन में कुछ बन पाता है। कथा में भी ये दोनों चीजें चलती हैं, पहली प्रभु इच्छा। तो प्रभु इच्छा है इस बात का प्रमाण है कि आप कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, तो ये प्रभु इच्छा है। प्रभु इच्छा तो है, अब परिवर्तित होने के लिए अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता लाने के लिए अब आपकी लगन चाहिए। ठाकुर जी की इच्छा तो है, इतनी दूर शहर से फिर भी आप आ गए। रात को हम 3 बजे पहुंचे, शायद पौने 3 बजे कानपुर। हिसार में कल कथा विश्राम करी 2 बजे, वहां से 5 बजे ट्रेन में बैठे, सुबह 2:30-3 बजे यहाँ आए, और यहाँ आते आते हमको सुबह 4:15 बजे। तो शहर से दूर तो है, जब समीप में कथा होती है तो लोग बाग भागते दौड़ते आ जाते हैं, थोड़ा दूर होता है तो हमको एक और चिंता थोड़ी लगी कि अब कथा भी हमको समय से ही पूरी करनी, क्योंकि आप लोग आएंगे तो इतनी दूर जाना भी तो है सबको। लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी चाहते हैं कि आप सुनो। अब दूसरी चीज आपको यहां पर लगानी है, वो क्या है? आपकी लगन।
आपका भाव, आपका मन। आप संकल्पित होकर के बैठ जाएं कथा में तो निश्चित है परिवर्तन होगा, जीवन में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश सब में परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो भैया हमारो जीवन चाहे जैसो भी है, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह जीते जी अवस्था में प्राप्त हो जाए, इसके लिए कथा है। कथा का मूल उद्देश्य बहुत कुछ है। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे काम बिगड़े हुए बन जाएं, कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे अंदर क्रोध बहुत है, क्रोध कम हो, काम कम हो, लोभ कम हो, आदि आदि सब भाव। पर विशेष रूप से कथा का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। तो कानपुर में पहली बार हमारा आना हुआ है, शायद याद ही नहीं कि बीच में कभी कानपुर एक आध दिन के लिए भी आना हुआ होगा तो पता नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार ही आना हुआ है। और हमारे शिवकांत शुक्ला जी और आपकी श्रीमती कल्पना शुक्ला जी, पूरे परिवार का बहुत भाव था, इन पर भी ठाकुर जी की कृपा ही हुई है, आयोजकों पर तो कृपा होती ही है ठाकुर जी की, इन पर भी बड़ी कृपा है इनके पूरे परिवार पर कि ठाकुर जी ने ये प्रयोजन इतना सुंदर बनाया है। जिनका ये स्थान है उनका भी खूब भाव, वो भी कल रात्रि मिले हमें, कहाँ बैठे दिख नहीं रहे, अच्छा जे बैठे इनका भी बड़ा रमणीय स्थान है। देखो एक बात आपको बताएं, भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि महादेव और पार्वती एक साथ कहीं जा रहे थे तो अचानक से महादेव जी रुक गए और उन्होंने प्रणाम किया, तो पार्वती जी पूछी कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हो, तब महादेव कहते हैं, बोले देवी मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, यहां पर इतने वर्ष पहले कभी कथा हुई थी इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र, मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। यहां पर भागवत, भागवत की कथा में देखो भगवान तो आते ही हैं, पर भगवान के सारे गण भी आते हैं, भगवान के सारे भक्त भी आते हैं। अब सात दिन के लिए यहां पर हमें नहीं दिखे लेकिन वायु में कण के माध्यम से ना जाने कितने देवी देवता, कितने भक्तजन, कितने वैष्णवजन सब यहां विचरण कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीतामन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी साकेत नहीं गए राम जी के साथ, क्यों नहीं गए, बोले कि जहां कथा हो, जहां कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, साकेत में कथा नहीं होती इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी महाराज आएंगे यहां पर, तो इसलिए महादेव ने उस भूमि को प्रणाम किया, बोले यहां इतने वर्ष पहले कथा हुई थी। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले धन्य है यहां पे कथा हुई थी। थोड़ी दूर आगे चले तो महादेव फिर से रुके, फिर से प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां पर भी किसी ने कथा की थी क्या, बोले नहीं यहां पे कथा हुई नहीं है। तो बोले आज से 500 साल बाद यहां कथा होगी इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब समझे आप, नहीं समझे, कथा वहीं होती है जहां महादेव सर झुका देते हैं, महादेव एक बार प्रणाम कर लेते हैं, कथा हर जगह नहीं हो पाती। कथा का जो स्थान है वो स्थान महादेव के द्वारा ही चुना जाता है। अब ये स्थान भले ही यहां पर किसी कारण से बनाया हो, रिजॉर्ट बनाया है कि यहाँ ब्याह होंगे, यहाँ पर लोग रुकेंगे, अपना घर का कोई फंक्शन करेंगे, कोई उत्सव करेंगे आदि आदि करेंगे, पर जिस समय ये बना होगा अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ ना, ये बना था उससे पहले ही महादेव का प्रारंभ है। महात्म की चर्चा हम लोग करते हैं और आगामी 7 दिनों तक कथा का क्रम रहेगा। हम पहले से ही थोड़ा अवगत करा दें, अंतिम दिन की जो कथा रहेगी यानी कि 6 अक्टूबर, वो कथा सुबह होगी, जल्दी होगी, क्योंकि हमको फिर चंडीगढ़ यहाँ से प्रस्थान करना है। तो इसलिए पहले दिन से ही जो लोग 7 दिन का नियम लेकर के बैठ रहे हैं कथा में,
वो विश्राम दिवस की कथा का नियम भी ले लें कि अंतिम दिन कथा सुबह जल्दी होगी। समय हम अभी देखेंगे कि यहाँ से जाएंगे कैसे, तो उस हिसाब से आपको बताएंगे कि समय क्या रहेगा कथा का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा एक बात और, श्री गिरधर लाल जी भी आते हैं जहां भी कथा होती है, हमारे ठाकुर जी, उनके मिलने का समय साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह सुबह के समय रहेगा। अब हमको एक बात मन में लग तो रही है कि पहले आप सुबह आओगे फिर जाओगे, फिर चार बजे फिर कथा में आओगे, तो मन में भाव तो आता है कि कैसे करें। तो इसमें फिर एक काम ये कर देते हैं कि तीन बजे से लेकर के चार बजे तक, वैसे तो समय सुबह का ही रहता है दर्शन का, पर सब लोगों को सुख लगे, सब लोगों को ज़्यादा श्रमित ना होना पड़े, इसलिए तीन बजे से दर्शन होंगे लाल जी के, वहीं कक्ष में विराज रहे हैं। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके फिर स्थान ग्रहण कीजिए, चार बजे से कथा सुनो। तो रोज कथा का आपको उससे पहले नहीं आना है, आपको तीन बजे ही आना है, और हमसे भी मिलना है तो भी हम कल तो नहीं मिलेंगे, परसों से हम मिलेंगे, तो परसों से क्या समय रहेगा वो हम कल बता देंगे। तो हम भी ऐसा ही कुछ समय रखेंगे कि आप लोगों को बार बार ना आना पड़े, एक ही बार में सबसे मिल लें। कई वैष्णवों का भाव होता है मिलना है, दर्शन करने आदि, प्रश्न करने, जिज्ञासा, तो उनके लिए भी समय हम कल बता देंगे। प्रथम दिन की आज कथा है, सात दिन का नियम लेकर के बैठिएगा, और नियम कोई और हो ना हो एक ही होना चाहिए, क्या कथा हमारे जीवन में आवे और हमारे जितने भी संशय हैं चित्त में उन समस्त संशयों का नाश हो। जीवन एक सफर है बंधुओं, उस जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारे जीवन में एक प्रकार से जीवन क्या है, जीवन है क्वेश्चन पेपर, जीवन क्या है प्रश्न पत्र, और हम आप सब इस जीवन रूपी प्रश्न पत्र के परीक्षक परीक्षार्थी हैं, हम सब परीक्षा दे रहे हैं। जीवन रूपी परीक्षा का उत्तर क्या होगा ये भागवत जी ही आपको बताएंगे, तो उसके लिए सात दिन के लिए आप लोग यहां बैठे हो सुनने के लिए। इन सात दिनों में यदि ध्यान पूर्वक एक एक शब्द आपने श्रवण किया तो जीवन रूपी परीक्षा देने में, जीवन रूपी परीक्षा हल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नियम केवल एक ही बनाइए, क्या कि आपका मन इधर उधर नहीं जाए, विचलित ना हो, एकाग्र चित्त होकर सुनो। लोगों की जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कि हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न के दो आपको उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय, आपके चित्त में जो भी प्रश्न है, धर्म से संबंधी, ग्रंथ से संबंधी, कथा से संबंधी, अध्यात्म से संबंधी, आप चित्त में विचार करके बैठ जाओ कि हमारा ये प्रश्न है, और कम से कम दो दिन कथा पूरी पूरी सुनो, आपका उत्तर कथा में अपने आप मिलेगा। अगर दो दिन में आपका उत्तर ना मिले तो आप प्रश्न लिख करके व्यास मंच पर हमारे आने से पहले रखवा दीजिए, हमारी चित्त में उसका उत्तर होगा, या फिर आपका प्रश्न ऐसा होगा जिससे सबका कल्याण होगा तो हम उसका उत्तर देंगे, इसलिए जिज्ञासा जरूर कीजिएगा। बाकी सब आपको कथा में बीच बीच में बताते रहेंगे। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत के महात्म में, आज महात्म, महात्म मतलब महत्व, महत्व क्या है कथा का वो हम लोग श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनि मानतोष। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक, अगर हो सके तो पंडाल की लाइट जलवा दो, क्योंकि अब सब कन्हैया बन गए, सब सांवले सांवले दिख रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो हो सके तो अब लाइट जलवा दें ताकि सब हमको दिखने लग जाएं। सच्चिदानंद रूपाय। बंधुओं, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान के स्वरूप अनेक हैं, पर ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं। रूप और स्वरूप ये दो बातें होती हैं। हर व्यक्ति यहां जितने लोग बैठे हैं सबके दो पहलू हैं, एक पहलू का नाम है रूप और दूसरे का नाम है स्वरूप। रूप और स्वरूप में अंतर क्या होता है? स्वरूप जो होता है ना वो बाहर के लोगों के लिए हम लोग धारण करते हैं, और रूप जो होता है वो अपनों के लिए होता है। हम अपनों के सामने अलग होते हैं और बाहर के लोगों के सामने अलग होते हैं। जैसे मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, बताइए ये रूप है कि स्वरूप है? क्या है ये? ये स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मैं अपने घर में नहीं रहता, ऐसा मैं अपने माताजी के सामने नहीं होता, ऐसा मैं अपनी बहनों के सामने नहीं होता। हाँ, तिलक लगाता हूं, धोती पहनता हूं, बाहर के श्रृंगार से बात प्रयोजन नहीं है, स्वभाव से प्रयोजन है। स्वभाव सबका बदलता है, अपनों के सामने अलग होता है और परायों के सामने अलग होता है। ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर ठाकुर जी भुजा ऊपर करके धारण करके खड़े हैं, कहीं पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, कहीं पर ठाकुर जी लड्डू हाथ में लेके, कहीं पर माखन हाथ में लेकर के, कहीं ठाकुर जी शेषनाग पर पौड़े हैं, कहीं पर संघ चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं, कहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कहीं पर रौद्र मुद्रा में बैठे हैं, कहीं पर करुण भाव में हैं। तो पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं, हर भारत के हर मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप अलग है। वो किसी एक के प्रयोजन से ठाकुर जी ने धारण किया है। वृंदावन जाते हैं आप लोग, तो वृंदावन में बिहारी जी जो हैं वो किसके ठाकुर जी हैं? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, वो हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ जी किसके ठाकुर जी हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु के ठाकुर जी हैं। श्री राधा रमन जी किसके ठाकुर जी हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। द्वारिका में आप जाकर के देखोगे, वहां पर श्री द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, वो किसके ठाकुर जी हैं? वो देवकी मैया के ठाकुर जी हैं। बद्रीनाथ में जाकर के देखोगे तो वहां तपस्या में ठाकुर जी बैठे हैं, वहां किसके बोले एक विशाल नाम के राजा हुए, उस राजा के लिए ठाकुर जी तपस्वी रूप में वहां प्रकट हो गए। जिसकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे वैसे प्रकट होते चले गए सब जगह। तो ये ठाकुर जी के स्वरूप हैं जो आप मंदिरों में देखते हो। पर ठाकुर जी का रूप क्या है? रूप मतलब जो अपनों के लिए होता है, वो तीन ही हैं ठाकुर जी के, सत चित और आनंद। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा भी हो, कद काठी कैसी भी हो, मोटे हो पतले हो दुबले हो लेटे हों खड़े हों बैठे हों, पर सारे ठाकुरों के तीन ही रूप हैं। अंतरंग भाव से वो तीन ही रूप में हैं। तीन रूप कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, लिखते जाइएगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत मंदिर नहीं जाता है लेकिन सत्य का आचरण करता है, तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति उतना ही पुण्यात्मा माना जाएगा जितना पुण्यात्मा वो व्यक्ति माना जाता है जो मंदिरों में ही जाता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर बहुत जाता है लेकिन सत्य नहीं बोलता, उसका पुण्य बढ़ेगा? बात बात पे झूठी बोलता है लेकिन मंदिर सारे जाता है। आपकी तन की उपस्थिति कहां है?
ये ज्यादा विशेष नहीं होता, आप मन से कैसे हो ये विशेष होता है। आप भले ही कानपुर में रहते हैं लेकिन नित्य अपने नेत्र बंद करके श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करते हैं, तो आपका उस दिन का अटेंडेंस वृंदावन में ही माना जाएगा, क्यों? आप मन से वहां उपस्थित हो। तो सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति भी भगवद उपासक माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र उनका नाम लिया जाता है, वो सत्य उपासक थे। राजा हरिश्चंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी से कम नहीं है, राजा हरिश्चंद्र भक्तिमती मीराबाई से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का आचरण करते हैं, सत्य भगवान का रूप है। तो सबसे पहला रूप क्या है भगवान का? सत्य। अच्छा, एक और बात, सत्य भी सब जगह बोलना चाहिए, यह भी धर्म नहीं है। यह भी सत्संग आपको सिखाएगा कि सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा, वो चार नंबर गली वाली जो है ना, उनकी बेटी से हम अपने बेटा का ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की कैसी है, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको नहीं पता कि वो लड़की कैसी है, लेकिन फिर भी आपको उस समय उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, नहीं अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, स्वरूप अच्छा, बाकी आप पूछ लो। पर वहां आपको नहीं भी पता, फिर भी आपको सत्य बोलना चाहिए। कोई गौ सेवा के लिए प्रेरित हो रहा हो और आपसे पूछे मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो आपको उसमें चार पांच अपनी तरफ से बना के बोलना, गौ सेवा से ऐसा होता है, गौ सेवा करने से ये होता है, गौ सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आप जबरदस्ती अपनी तरफ से अगर थोड़े बहुत बातें लगा के बोल दो तो वो अच्छा माना जाएगा, भले वो असत्य नहीं है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अब माँ कई बार अपने बच्चे की जिद को पूरी नहीं करती तो झूठ बोलती है, अच्छा चल तू ये खा लेगा ना तो फिर मैं तुझको ये दूंगी। अब है तो वो झूठ, बच्चा जब खा लेता वो कहता लाओ टॉफी दो, बोले अच्छा नहीं अब नहीं दे रही मैं, बोले आपने झूठ क्यों बोला। तो वो झूठ आपका पाप में नहीं गिना जाएगा। किसी बालक से सत्कर्म करवाने के लिए, किसी बालक की भलाई के लिए आपने उससे झूठ बोला तो वो झूठ नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत सामान्य से उदाहरण दिए हैं। संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको वहां पर सूक्ष्म झूठ बोलना पड़ता है, तो वो सूक्ष्म झूठ अपराध नहीं माना जाता। हां, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी भलाई के लिए, किसी के अनहित के लिए, किसी के साथ दुष्कर्म करते हुए आप झूठ का आचरण करते हैं तो वो पाप है। तो ये विवेक सत्संग प्रदान करता है कि कितना सत्य उचित है, कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां सत्य का आचरण नहीं करना है, ये सत्संगी व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी सत्य का उपासक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के उपासक के समान ही होता है। जो अपने जीवन में सत्य को आश्रय देता है, सत्य के आश्रय में रहता है, वो किसी भजनानंदी, किसी भक्त से कम नहीं है। अरे लोग नाम जप करते हैं, 108 नाम नित्य बोलते हैं, आप सत्य जप करो, मैं दिन भर सत्य ही बोलूंगा, झूठ बोलना ही नहीं है, तो भी आप उपासक ही माने जाओगे ठाकुर जी के। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा रूप क्या है?
चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है। भगवान को कभी जड़वत मत मानिए। ठाकुर जी धातु में है, अष्ट धातु में है, मूर्ति में है, या किसी काष्ठ में है, प्रतिमा में है, नहीं, ठाकुर जी चैतन्य है। जिस प्रकार हम चैतन्य है, हमारा स्वरूप चैतन्य है, ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है। वायु में भी वो विद्यमान है, कण में भी वो विद्यमान है, प्रकाश में भी वो विद्यमान है, निशा में भी वो विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। ऐसी चैतन्य भावना ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। और तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद। आनंद कब आता है बताओ? कानपुर की प्रसिद्धि क्या है? भोजन में क्या मिलता है कानपुर में? बढ़िया कुछ मिलता है अच्छा है? चाट, कानपुर की चाट प्रसिद्ध है। लड्डू, वाह, तो वो खा के आनंद आता है? नहीं। कितनी भी प्रसिद्ध वस्तु क्यों ना हो, ये हम तो देखो केवल जीव की बात करेंगे क्योंकि बाकी इंद्रियों की चर्चा मंच से नहीं कर सकते, पर जिस वस्तु के लिए व्यक्ति कहता है कि उसको पाने में हमको सुख मिला, उसको पाने में हमको आनंद आया, उसकी एक 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 लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। आप चाट कितने दोना खा लोगे? एक दोना खा लोगे, बहुत ज्यादा भूख होगी दो खा लोगे, बहुत ही ज्यादा पेट बड़ो होगो मेरी मटका सो तो तीन खा लोगे, चार खा लोगे। लेकिन संसार की किसी भी वस्तु की जब अतीत हो जाती है, वो अति से अधिक आपके पास आ जाता है, तो प्रिय लगने वाली वस्तु से भी घृणा होती है, इसलिए वो उसको आनंद नहीं कह सकते आप। जिस आनंद की परिभाषा सुनिए, अतीत का सेवन करने से, अतीत में उस वस्तु का उपभोग करने से यदि उस वस्तु से आप ऊबने लग जाओ तो वो आनंद नहीं कहलाएगी, वो सुख कहलाता है। लेकिन भगवत संबंधी वस्तु, ठाकुर जी से संबंधी वस्तु, वो कितने भी अतीत में उसका सेवन कर लो फिर भी आपको कम ही लगेगा, उसी को आनंद कहते हैं। श्री वृंदावन का दर्शन कर लो, श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लो, कथा सुन लो, अभी तो पहलो दिन आए, आज सातवें दिन, आपको यूं लगेगी कहां चले गए सात दिन, इतनी जल्दी क्यों पूरे हो गए सात दिन, कहां तीन घंटे की पिक्चर देखने जाते हैं तो कई बार तीन घंटा भी यूं लगे पूरी क्यों नहीं हो रही है। कोई सात दिन की पिक्चर बना दे तो देखने जाएगा कोई? कोई नहीं जाएगा, वो तीन घंटा ही बहुत है भैया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो संसारी भाव है। और यहां कथा आप तो सात दिन की सुन रहे, हमने तो एक महीना की कथा भी करी है, तीस दिन तक सुनते रहे तो भी लोग कह रहे हैं बोले अभी अधूरी रह गई, अभी तो भाव भरा ही नहीं। और हमारा जीवन देख लो, हम तो पूरे दिन कथा ही करते रहते हैं, कल हिसार करके आए, आज यहाँ कर रहे हैं, छह को यहाँ पूरी करेंगे, सात से चंडीगढ़ में करेंगे, तेरह को चंडीगढ़ पूरी करेंगे, चौदह से गोवर्धन करेंगे, गोवर्धन में सत्रह को पूरी करेंगे, उन्नीस से भोपाल में करेंगे, हम तो एक ही दिन खाली नहीं। तो भी लोग, कई लोग रोज कथा सुनते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, अभी लगता है कि बस सुनते रहें। क्यों? क्योंकि ये आनंद है। क्या है आनंद का मतलब? जिस वस्तु के अति भोग में भी आप ऊबते ना हो, जिस वस्तु के अति सेवन में भी आपकी इच्छा पूरी ना होती हो, वो आनंद। और एक और बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, हमारी कथा व्यसनी लोग भी सुनते हैं ना, व्यसनी कहेंगे महाराज जी व्यसन भोगने में भी तो आनंद आता है, व्यसन भोगने में भी तो सुख मिलता है, हैं? रात भर पियो क्या सुख मिलता है महाराज, ऐसा लगता है कि उड़ रहे हैं आकाश में, फिर तो पत्थरों पर भी लिटा दो तो ऐसा लगता है कि बादल का ही, बादल की तकिया पर सो रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे व्यसनी भी होते हैं। तो व्यसनी लोग कह सकते हैं कि महाराज जी जैसे आपको कथा में आनंद आता है, लोगों को कथा सुनने में आनंद, हमको व्यसन में भी तो आनंद आ रहा है। अब यहां पर क्या बात लागू होगी?
कथा सुनने से आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, भलाई हो रहा है आप। और सबसे बड़ी बात क्या, कथा आपको क्या बनाती है पता है? कथा आपको सकारात्मक बनाती है। जब आप बहुत कथा सुनेंगे ना, तो आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको हील करने लग जाएंगे। वो व्यक्ति आपके पास बैठने में ऐसा सुख का अनुभव करेगा, कुछ मत बोलो, केवल उसके पास बैठ जाओ, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे कष्ट हरण कर रहा है क्या, ये मेरे सारे आर्तों को मुझसे ले रहा है क्या। अति आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, उसका दर्शन मात्र से ये लगने लग जाता है कि हमारा ना जाने कितने कितने कष्ट हमारे खत्म हो गए। और व्यसनी व्यक्ति को, व्यसनी व्यक्ति बगल में बैठ जाए तो यूं लगती है कि राम राम अब कैसे समय कटे, एक एक मिनट यूं लगती है। एक बार हम विदेश जा रहे थे तो हमारे बगल में एक बैठ गया। अब विदेश के जहाज जो होते हैं उनमें पीने को मिलती है, तो विदेशी था, कोई भारत का नहीं था। उसको क्या पता कि महाराज, अब भारतीय लोग हों तो वो तो समझ जाते हैं, भैया धोती में बैठे हैं, तिलक लगा रखा है, इनके सामने कुछ गलत मत खाओ पियो। विदेशी को क्या पता, उसने तो महाराज खूब पान करता गया, बहुत पुरानी बात है, तब मैं कथा नहीं करता था, छोटा था। पिताजी के साथ गए थे, अब वो पान करने के बाद में रोवे मेरे कंधा पे सर रख के, और रोवे से रोवे, और अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोल रहा था, फ्रेंच बोल रहा था। अब वो क्या बोले मुझे समझ नहीं आता। मैं उसको बोलूं मैंने इंग्लिश बोले, इंग्लिश नो इंग्लिश ओनली फ्रेंच। और फ्रेंच में रो रहा था, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे कहीं चले गए होंगे, पूरे रास्ता रोता रहा। इतना कष्ट में आ गया महाराज, कभी हंसे कभी नाचे कभी रोए। और मुझे यूं लगे हवाई जहाज कब उतरे, 16 घंटा का हवाई जहाज। अब आप 16 घंटा के मैं बैठा हूंगा वहां पे, लग रहा है आपको? हमने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने मेरी सीट चेंज करो या फिर इसको भगाओ, इसे पूरा बर्बाद कर रहा है। तो व्यसन भोगने से आपकी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न नहीं होती हैं, वो दिखाती हैं आपको कि वो बड़ी प्रसन्न है, पर अंदर से खोखली होती जा रही है। जैसे ही व्यसन का नशा उतरता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। पर कथा सुनने वाले लोग, कथा सुनने के बाद भी घर तक जाएंगे ना, प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, कथा 7 दिन की पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी जीवन में भी प्रसन्न रहते हैं। ये कथा का स्वरूप है। इसलिए सांसारिक व्यसन को आप कथा से नहीं जोड़ सकते। वो व्यसन तो चंद घंटों के लिए आपको सुख देता है, पर कथा तो जीवन भर सुख दे देती है, जीवन को प्रसन्न कर देती है। हम एक भजन गाते हैं, हरि नाम से तेरा काम बने, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हरी का भजन करो।
बजा के